हेलो यूर्स, मैं लोकेश, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एंशियंट हर्बल रेमेडी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ही एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में चर्चा करते हैं और आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम मेडिसिन प्लांट को लेकर ही बात कर रहे हैं, और आज जिस मेडिसिन प्लांट की बात कर रहे हैं वो प्लांट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये देखें, आप में से कुछ यूर्स से जानते भी होंगे या देखा भी होगा, या शायद जो हमारे पहाड़ी या अन्य क्षेत्रों में जो भी रहते हैं जिनके आसपास ही होता होगा तो वो इसके बारे में जानते होंगे या उसके कुछ औषधीय गुणों को भी जानते होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा बताई जा रही जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये नॉलेजेबल जानकारी है, ये किसी अगर अन्य लोग भी इसे जाने तो बहुत अच्छा हमें लगेगा। मेडिसिनल प्लांट है या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के जो प्लांट हैं या जो मेडिसिनल जो यूज हम करते हैं जब इन प्लांट्स का, तो इसके प्रभाव दूरगामी होते हैं, तो ये हमें भविष्य के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी इन्हें यूज करें मेडिसिनल प्लांट को, और इनका संरक्षण भी करें। तो आज हम जो आपको दिखा रहे हैं इसे हिंदी भाषा में पाठा के नाम से जाना जाता है। देखिए, लघु पाठा कहते हैं इसको ये, और कुमाऊनी भाषा में अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो इसे पाठी या पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका एक दूसरा नाम वो है वेलवेटी लीफ। वेलवेटी लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ये स्टेम, जो तना है और जो पत्तियां हैं, अगर इनको हम छुएंगे तो हमें वेलवेट की तरह लगती हैं, तो उसे वेलवेटी लीफ या वेलवेटी ब्रांचेज वाला पौधा भी कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये एक बेल के रूप में होता है, देखिए लता होती है, कि ये जो लता जो होती है 7-8 फीट तक भी लंबी हो सकती है। देखिए, यहाँ धीरे पेड़ में इसकी बेल चढ़ी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए, और हम आपको दिखा रहे हैं ये। अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो जैसे कि ये वोमेंस जो जितने भी डिजीज होती हैं या जो जैसे रोग होते हैं, जैसे गर्भाशय संबंधी रोग हैं महिलाओं में, उनमें लाभ देता है, और जैसे किसी ये गर्भपात की समस्याएँ हैं उनमें भी लाभकारी है, और जो चाइल्ड बर्थ को आसान करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये पुरातन काल से यूज हो रहा है, तो पहले जब नीम हकीम के जो नुस्खे यूज किए जाते थे उनमें यही औषधियाँ मेनली यूज की जाती थी। तो मॉडर्न टाइम में जो भी ये अब जैसे यूनानी हैं और एलोपैथ हैं, होम्योपैथ जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति आ गई है उनसे, तो आयुर्वेद का प्रयोग कम हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग उस बारे में जान भी कम रहे हैं। तो ये देखिए, और जैसे हृदय रोग है उनमें भी विशेष लाभकारी होती है, और अगर किसी किडनी में पथरी हो गई है तो उसमें भी ये लाभ देती है, और जैसे किडनी संक्रमण है या दर्द है या अस्थमा का रोग हो जाता है किसी को, या गठिया है तो उसमें भी ये विशेष लाभकारी होती है। ये देखिए, हम इसको पूरी बेल आपके दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है। और जैसे किसी मांसपेशी अगर इसकी फट गई है तो उसमें भी ये इसका ये लाभ देती है, और जैसे पेट रोग हैं, और अगर हम इसके नामों की बात करें तो बंगाली में इसे किजरी बोला जाता है, हिंदी में अकानादी और बातिंदू, मराठी में धाकटी पाडावल, लहान पहाड़ वेल, और नेपाली में बाटुल पाते, गुदरगानो, जुल्को, और हिंदी में पाठा, संस्कृत में लघु पाठा। और ये भी दो टाइप्स की होती हैं बेल इसमें, ये जब भी हम इसकी आपको ये दिखा रहे हैं जो ये लघु पाठा है। अब इसी में एक दूसरा जो पाठा आता है वो है राजपाठा, तो अभी कभी सहयोग होगा तो हम उस बेल को भी आपको दिखाया जाएगा किस टाइप से होती है, वो किस टाइप से उसकी संरचना होती है, तो आप उसकी भी पहचान करेंगे। और कहा जाता है त्रिदोष नाशक है, तो जो वात पित्त कफ तीनों में लाभ देती है, और ये बुखार रोधी भी है, और मुख्यतः इसकी जड़ और पत्तियाँ औषधि में प्रयोग की जाती हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सिसामपेलोस परेरा। लगभग इसकी
30 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और ये मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में, अमेरिका में और बंगाल में, हमारे देश में बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और ये एक एंटी माइक्रोबियल भी क्वालिटीज़ भी रखता है। ये देखिए इतने औषधि गुणों से भरा हुआ पौधा है, ये हमारे आसपास ही हमें दिख जाता है, ये मिलता भी है, तो हम इसे पहचानें और हम इसके औषधि गुणों को भी जानें, और अगर हम इसका प्रयोग करें तो हम किसी चिकित्सीय परामर्श से भी प्रयोग कर सकते हैं, और हमारी आयुर्वेदिक प्रतिष्ठित कंपनियाँ जो हैं उनके मेडिकल स्टोर्स भी अब शहर में या हर जगह आप कस्बे में भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और अपनी बीमारियों के समाधान में भी इसे लाभ ले सकते हैं। ये देखिए, और व्यूअर्स अगर आपके व्यूज़, लाइक्स और चैनल सब्सक्रिप्शन अगर हम बढ़ के आएंगे तभी हमें लगेगा कि हमारे द्वारा बताए बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है और जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो को, कभी भी हमारा आपसे अनुरोध है पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि आप देखेंगे तभी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। ये देखिए, हमने कहा था कि इसमें जो फूल आते हैं, देखिए इस टाइप से आते हैं, इसमें ये, इसमें जो ये हैं, ये फ्लावरिंग का हो रही है इसमें, ये आपको दिखाई दे रही है, देखिए फ्लावरिंग ये देख रहे हैं आप, और इसमें देखिए इसमें इस टाइप से इसमें जो फल लगते हैं फ्रूट्स, ये देखिए आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इस टाइप से फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप पहचाने इसको, ये देखिए ये, और ये जो कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें होता है, देखिए आसपास आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये देखिए आसपास, ये देखिए सामने पहाड़ी में आपको दूर ये बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहे होंगे, देखिए बंदर भी इसमें चहलकदमी भी कर रहे हैं, ये देखिए वो हिलते हुए पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए एक बार इसका इस टाइप से हमारा ये लघु फाटा का वर्णन आज हमने इसके बारे में जानकारी आपको दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।